फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देविका। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ Purple.com हॉल वीडियो, जिसमें मैंने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं। सभी को पता है Purple.com में अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो मैंने भी कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए हैं। तो ये रहे मेरे वो प्रोडक्ट्स तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है वो है गुड वाइब्स का पापाया का फेस वॉश। ये है स्किन क्लियरिंग फोमिंग फेस वॉश जो कि आपको 150 ml मिल जाए। इसमें है नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल और ये क्रुएल्टी फ्री है। तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। अगर आपको एक्ने की या पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है फेस के लिए तो आप इसे अच्छे से यूज करें। ये वेल फिल्ड विद विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट पपाया इज इन द फॉर्मूला, हेल्प्स क्लियर पिगमेंटेशन एंड हेल्प द skin acne free. It has anti-aging properties that lightens the skin and keep it radiant. तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है एंड गुड वाइब्स का। तो सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है अगेन गुड वाइब्स का, एंड ये गुड वाइब का एलोवेरा जेल है। इस तरीके से ग्लास टब में आ जाता है। ये ग्लास का बना हुआ है, तो आपको बहुत ही इसे अच्छे से संभाल के यूज़ कर दिया गया है। एंड ये है ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये प्योर है। एक्चुअल में मैंने पतंजलि का यूज़ किया है। मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ पतंजलि का, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल देखा जब मैंने तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ट्राई किया जाए। तो इसे भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी एंड इसका रिव्यू मैं आपको बताऊँगी अपने मेकअप की वीडियोज़ में। यूजुअली मैं एज अ प्राइमर इसे यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल को अपनी काफ़ी वीडियोस में, तो इसे यूज़ करके मैं बताऊंगी ये कैसे वर्क करता है। ये आपको 50 ग्राम मिल जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है इनिसफ्री का ये मास्क जो कि बेरीज़ का मास्क है। इस पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। ये 100 रुपीज़ का है एंड 100 रुपीज़ में मुझे मिला है। एक्चुअल में मैं मास्क ट्राई करना चाहती थी इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है गुड वाइब्स का ये लेमन एसेंशियल ऑयल। ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। जब हमें कुछ डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं तो ये फेड करने में बहुत हेल्प करता है। आपको 10 ml मिल जाता है। इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप देख सकते हैं। तरीके से आपको मिल जाती है ये बॉटल 10 ml की, कांच की बॉटल है, ये ग्लास बॉटल है। इसमें आपको कोई ड्रॉपलेट नहीं मिलेगा। मैंने ये टी ट्री का ऑयल मंगाया है जो कि है गुड वाइब्स का। इस तरीके से ये भी कार्डबोर्ड में ही आ जाता है। ये भी 10 ml का ही है। इसका भी प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप देख सकते हैं। आई थिंक गुड वाइब्स के कोई भी एसेंशियल ऑयल में ड्रॉपलेट नहीं दिया गया है क्योंकि ये 10 ml है, इसलिए शायद इस पर नहीं दिया गया। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है वेट एंड वाइल्ड का ये फाउंडेशन। ये है फोटोफोकस फाउंडेशन, माई शेड इज़ ब्रॉन्ज बेज एंड ये 30 ml आपको मिल जाता है ग्लास। अंदर आपको एक एप्लीकेटर भी मिल जाता है इस तरीके से अप्लाई करने के लिए, तो बहुत ही यूज़फुल है ये। मैंने बहुत सुना था इस फाउंडेशन के बारे में, तो सोचा अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है तो क्यों ना इसे मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो चलिए लास्ट प्रोडक्ट की। तो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये बेला का कॉटन केयर पैड्स, जो कि इस पर भी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने ये भी परचेज़ कर लिया। अगर आपको पता नहीं है ये किस लिए यूज़ होता है तो मैं ये बता देती हूँ आपको। ये मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। सो दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।